हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्टअप मीडिया यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की स्टार्टअप न्यूज बिना किसी देरी के। आज की पहली सबसे बड़ी न्यूज, टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जी हां दोस्तों, एलोन मस्क की नेटवर्थ में एक ही दिन में $25 बिलियन का इजाफा हुआ है। यह नेटवर्थ के बढ़ने का मुख्य कारण बीते दिन 10 मार्च को टेस्ला के शेयरों में 20% वृद्धि हुई, जिस कारण एलोन मस्क की नेटवर्थ बढ़ी। यह अभी तक का सबसे अधिक नेटवर्थ वृद्धि वाला रिकॉर्ड बन चुका है। की दूसरी न्यूज, ओयो होटल्स एंड होम्स को सॉफ्टबैंक से $200 मिलियन का टर्म लोन मिला है, जो ओयो के मुख्य क्षमताओं जिसमें मालिकाना तकनीक, राजस्व प्रबंधन सूट और डेटा एनालिटिक्स में बड़े पैमाने पर नवीनता ला सकता है। आज की तीसरी न्यूज़, बेंगलुरु स्थित विडाल हेल्थ ने कॉम्पिटिटर विपुल मेडक्रॉप को एक्वायर किया है। आज की चौथी सबसे बड़ी न्यूज़, एडटेक स्टार्टअप वेदांतु अप्रैल जून के बीच 2500 नए कर्मचारी हायर करने पर विचार बना रहा है, जिसमें वेदांतु अपने टेक्नोलॉजी एंड प्रोटेक्ट का विस्तार तेजी से करेगा। इसके बाद वेदांतु के कर्मचारी की संख्या 8500 हो जाएगी। बात करते हैं फंडिंग न्यूज़ की। आज की फंडिंग न्यूज़, नेथरॉन ARC ने ECB फाइनेंसिंग में कैलवर्ट इम्पैक्ट कैपिटल से 10 मिलियन जुटाए। चेन्नई स्थित डिजिटल लोन और इंस्टीट्यूशनल भागीदारों की वृद्धि और लिक्विडिटी की जरूरतों के साथ साथ छोटे व्यवसाय और व्यक्तियों को उधार देने के लिए धन का उपयोग करेगा। आज की दूसरी फंडिंग न्यूज, कैपटाउन फ्रेश ने मैट्रिक्स पार्टनर इंडिया अंकुर कैपिटल के नेतृत्व में सीड कैपिटल में $3 मिलियन फंडिंग जुटाए। इस फंड का उपयोग विश्व स्तरीय टीम का निर्माण करने और प्रौद्योगिकी में निवेश करेंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको स्टार्टअप मीडिया की हर एक लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके।